हेलो एंड वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करता हूँ तो डेली जो स्पीकिंग करते हैं हम लोग, जो इंग्लिश बोलते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ 100+ सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। मेरा नाम है एनके मेहरा, योर इंग्लिश मेंटोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्टली देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य है। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलेंगे आज्ञा सूचक वाक्य है। ओके, इनके थ्रू हम लोग किसी को सजेशन एडवाइस दे सकते हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे हम किसी को ऑर्डर या कमांड भी दे सकते हैं। मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, हम लोग एडवाइस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी से ऑर्डर या कमांड दे सकते हैं। और अगर इनके हिंदी की मीनिंग की बात करता हूँ कि इनका मीनिंग क्या होगा, तो सजेशन एंड एडवाइस का मीन्स होता है सलाह, रिक्वेस्ट का मीन्स होगा आपका प्रार्थना, ऑर्डर एंड कमांड का मीनिंग होता है आपका आज्ञा या आदेश। ओके, और डे टू डे लाइफ की बात करता हूँ अगर, तो दिन प्रतिदिन की जो लैंग्वेज होती है हमारी, जो हम बोलते हैं इंग्लिश, उसमें इसका ओवर यूज होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बढ़ते हैं आगे। यस, व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं आगे हम लोग। अब हम देखेंगे इसके अंदर किस चीज का हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है, किन चीजों का हमें इसको बनाने या बोलने में यूज करना ही नहीं है, उसको देखते हैं। मींस नो यूज। सो इसमें देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा टेंस, जिसको हम यूज ही नहीं करेंगे। इसके अंदर टेंस यूज नहीं होगा, इसके अंदर मोडास यूज नहीं होंगे, एंड सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, और आपका हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इनका बिल्कुल यूज नहीं होगा। वन मोर थिंग, अगर खुद देखिए आप, टेंस, मोडास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनका अगर बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, इसके बावजूद अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बात करता हूँ, तो स्पीकिंग के अंदर इसका ओवर यूज होता है। मीन्स ऑलमोस्ट 60% इसको इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। एंड अब आप खुद देखिए, अगर टेंस, मोडास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको करते ही नहीं है, तो इसमें यूज क्या किया जाएगा, इसमें हम किसी को यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर किस चीज को हम यूज करेंगे, किस चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर यूज की बात करूं तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे वर्ब, ओके, एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आएगा हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की ही बात करता हूं तो वर्ब हमारी जो होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएईएस होता है। तो लेकिन इनमें से हमें यहां कौन सी लगानी है, यहां पे इसमें चलती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाएंगे हम लोग फर्स्ट फॉर्म, जो कि स्टार्टिंग में ही लगती है सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो ये भी इसका एक यूनिक फीचर है कि फर्स्ट फॉर्म को आपको स्टार्टिंग में यूज करना होता है। ऐसे ही जब इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ, जब आप इसमें मना करेंगे किसी बात को, उस केस में आपको डोंट को यूज करना पड़ेगा, उस केस में आपको डोंट को लगाना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि किसी बात को मना करने में। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा लेट होता है। लेट को मैं आपको एडवांस पार्ट में, जब उसका एडवांस टीच करूंगा, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। ओके, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बात करता हूँ, जब किसी बात को पूछना होगा आपको, क्वेश्चंस करने होंगे आपको, उस केस में आप इसमें डब्ल्यूएच फैमिली को भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं इसकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है, ओके, कि किस चीज़ को यूज करना होता है, किस चीज़ को यूज नहीं करना होता है। ओके, एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स मेन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जिनको और आप बेटर तरीके से कैसे समझ पाएंगे। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल। यस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको
सिंपल सेंटेंसेस को, ओके। एंड सिंपल सेंटेंसेस में मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले आपको लगाना है इसके अंदर वर्ब, क्या आएगी हमारी वर्ब आएगी। लेकिन वर्ब कौन सी बताई मैंने आपको, मैंने वर्ब बताई है फर्स्ट फॉर्म, कौन सी वर्ब लगानी है आपको, ओनली फर्स्ट फॉर्म लेनी है इनिशियली आपको, ओके। देन आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको वर्ब को यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है, ओके। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल इज अपने नाखून काट लो, अपने नाखून काट लो। तो काटना हमारा होता है ट्रिम, काटना हमारा हुआ ट्रिम होता है। एंड अपने नाखून काट लो के लिए बोल सकते हैं ट्रिम योर नेल्स, ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखून काट लीजिए। नेक्स्ट इज मुझे माफ कर दीजिए, तो माफ करना जो होगा वो होगा हमारा फॉरगिव, माफ करना होता है हमारा फॉरगिव। एंड मुझे माफ कर दीजिए अब बन जाएगा हम लोगों का फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। नेक्स्ट वन इज यहाँ उतर जाओ, तो उतरना हमारा होता है गेट डाउन, किसी भी गाड़ी से उतरना हम बोल सकते हैं गेट डाउन, ओके। तो यहाँ उतर जाओ, गेट डाउन हेयर, गेट डाउन हेयर, यहाँ उतर जाइए। नेक्स्ट वन इज अकल की बात करो, अकल की बात करो, तो बात करना हो गया हमारा टॉक, अकल के लिए हम बोल सकते हैं इन सेंस, टॉक इन सेंस मीन्स अकल की बात करो। संतरा छील दो, तो छीलना हमारा होता है पील, ओके। एंड संतरा हमारा होगा एन ऑरेंज, पील एन ऑरेंज, संतरा छील दो, ओके। तो आपने देखा सिंपल सेंटेंसेस, एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। अपने नाखून काट लो को हम बोल सकते हैं ट्रिम योर नेल्स, मुझे माफ कर दीजिए फॉरगिव मी, यहाँ उतर जाओ गेट डाउन हियर, अकल की बात करो टॉक इन सेंस, संतरा छील दो पील एंड ऑरेंज, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। यस, अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के। सो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बात करता हूँ तो मैं नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है किसी बात को मना करना। तो मना करने में अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें यूज करोगे आप इनिशियली डोंट। सबसे पहले आपको डोंट लगाना है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको नेगेटिव में आपको डोंट को ही यूज करना है। देन आपका आएगा वर्ब, वर्ब में आपको बताया था मैंने फर्स्ट फॉर्म लेनी है ओनली आपको, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें देखा आपने नेगेटिव सेंटेंस में आपको ओनली डोंट को ही यूज करना है, देन वर्ब आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ओके। सो देखते हैं एग्जांपल हमारे, इसमें एग्जांपल क्या क्या है हमारे। फर्स्ट सेंटेंस इज ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, तो मना किया जा रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं मना कर रहे हैं। तो पहले आपको लगाना है डोंट, डोंट के बाद आप लगा सकते हैं स्पीक, फिर आएगा हमारा लाइक दिस, ऐसे मत बोलो डोंट स्पीक लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मेरी बातों का बुरा मत मानना, तो पहले अगेन डोंट लगा दो क्यों मना किया जा रहा है, मेरी बातों का बुरा मत मानना, डोंट माइंड हो गया बुरा मानना, एंड मेरी बातों के लिए आप लगाओगे माई वर्ड्स, ओके। डोंट माइंड माई वर्ड्स, डोंट माइंड माई वर्ड्स, मेरी बातों का बुरा मत मानना। यस, नेक्स्ट वन इज यस बदतमीजी से बात मत कीजिए, बदतमीजी से बात मत कीजिए, इसमें फिर मना कर रहे हैं, तो डोंट आ गया पहले आपका, फिर आएगा हमारा टॉप आ गया, एंड देन आएगा नॉनसेंस, डोंट टॉप नॉनसेंस मीन्स बदतमीजी से बात मत कीजिए। नेक्स्ट इज बात को आगे मत बढ़ाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ, तो अगेन मना किया जा रहा है, तो डोंट पहले आ गया हम लोगों का, फिर बढ़ाने के लिए हम लगाएंगे स्ट्रेच, ओके। एंड बात के लिए हम लगाएंगे द मैटर फर्दर मीन्स डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, बात को आगे मत बढ़ाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज शोर मत मचाओ, तो मना किया गया डोंट आ गया स्टार्टिंग में, और शोर मचाने के लिए हम लगाते हैं मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए, डोंट मेक अ नॉइज। आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सिंपल एंड नेगेटिव पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब मैं आपको 1-5 एक्सरसाइज देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 100+ सेंटेंस दे रहा हूँ, और आपको वीडियो को पॉज करके उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। एंड उसको आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको रिटन पार्ट में करेंगे या उसको आप स्पीकिंग के वजह से प्रैक्टिस करेंगे। एंड आंसर के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके आंसर को मैच कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।